मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी का इस अमेजिंग सी मॉर्निंग में वेलकम। और आज देखिए, आज फाइनली मतलब कितने दिनों के बाद ना, ऐसे स्नोफॉल के बाद जो अच्छी वाली धूप होती है ना, और जब स्नोफॉल के बाद अर्ली मॉर्निंग की धूप ना ऐसे स्नो पे गिरती है ना, इट लुक्स सो गुड एंड सो कामिंग टू द आईज। ऐसे यू नो, वाइट वाइट स्नो पे ऐसा लगता है ना, कुछ गोल्डन गोल्डन सा चमक रहा है। सो इट लुक्स रियली प्रिटी। और विंडो से इस टाइम जो व्यू आती है ना, आई रियली कैन नॉट टेल इट हाउ अमेजिंग इट लुक्स। मैंने नाश्ते में आज बनाया है डबल डेकर एग पराठा। एक्चुअली इसको मैं डबल डेकर एग पराठा बोलती हूँ, क्योंकि मैं क्या करती हूँ ना, इसमें मैं दो पराठे पहले सेकती हूँ और दोनों के बीच में जैसे एग का वो ऑमलेट टाइप का सैंडविच कर लेती हूँ। तो उस तरह से बहुत अच्छा लगता है, एकदम थिक सा बन जाता है। एंड होल व्हीट और एग होता है ना, तो काफ़ी फुलफिलिंग सा भी होता है, एंड अगेन वेरी हाई इन प्रोटीन। सो अर्ली मॉर्निंग ब्रेकफास्ट अगर मेरे पास है टाइम, तो मैं पहले पराठे सेकती हूँ, उसके बाद उसके बीच में एग फिलिंग डाल के, और ये सैंडविच जैसा लगता है। इसको आप कुछ भी केचप या किसके साथ भी खा सकते हो। मैं जनरली, मुझे ऐसे प्लेन भी अच्छा लगता है, लेकिन कभी कभी मेरा मन करता है ना, तो मैं इसको केचप या फिर कुछ मतलब ऐसे कुछ साइड में है हो तो उसके साथ खा लेती हूँ, या फिर कुछ सैलड टाइप का। एंड इट मेक्स लाइक अ परफेक्ट मील। एंड ये डबल डेकर पराठा ना मैंने आई थिंक काफ़ी दिन बाद बनाया। आज बड़ा मन कर रहा था, यू नो, एग और पराठा का कॉम्बिनेशन है इज़ लाइक सो यूनिवर्सल, आई सिंपली लव इट। तो मस्त सा यहाँ पे अपना ब्रेकफास्ट भी रेडी हो चुका है, और आज का दिन ना फुल 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 ऑक्यूपाइड होने वाला है। मतलब मुझे आज इतनी सारी एज एन नॉटनेस है कंपल्शन कुकिंग, मेरा खुद का चॉइस है आज मेरा बहुत सारा कुकिंग करने का। थोड़ा आज मन कर रहा था डिफरेंट डिफरेंट बनाने का, इसलिए मैं सुबह उठ भी गई थी। तो उठने के बाद मैंने सबसे पहले यू नो सारे लॉन्ड्री में स्वेटर जैकेट्स, फिर पजामाज, फिर बेड कवर, ये सब कुछ धो दिया। एंड वेदर अच्छा था, अर्ली मॉर्निंग धूप निकली थी, तो धूप देख के ना ऐसे भी बहुत ज़्यादा एनर्जी हो जाता है। लाइक मैं धूप देखती हूँ ना, ठंडा रहे अच्छा लगता है मुझे, ठंड अच्छी लगती है, लेकिन ठंड में धूप हो, मतलब ऐसे धूप के बिना नहीं। तो मैंने सुबह उठा तो देखा इतनी अच्छी सी धूप निकली हुई, तो मैंने सोचा वाई नॉट टेक एडवांटेज ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। और मैंने फटाफट से सारे कपड़े जो थे ना लॉन्ड्री में धो दिए थे। उस टाइम अराउंड आई थिंक अभी 10 o'clock हो रहा, एंड बाहर का व्यू वॉज जस्ट मेजेस्टिक। एंड मैंने आज ग्रोसरी भी ऑर्डर करी थी, तो ग्रोसरी भी मैंने प्राइम से मैंने ऑर्डर किया। एक्चुअली पहले इंस्टाकार्ट था, लेकिन इंस्टाकार्ट वाले बहुत मतलब प्रॉब्लम कर रहे थे, तो यहाँ पे मैंने मंगाई है थोड़ी सी ग्रीन पीस, योगर्ट, और मैं जनरली होल मिल्क योगर्ट ही यूज़ करती हूँ, होल मिल्क, नॉट रिड्यूस्ड फैट। ये है अपने डाइकन रेडिश, जिसको इंडियन मूली जैसा ही होता है, बड़ा बड़ा सा होता है। ये मैंने फ्रूट में मंगाया, इस पर ग्रेप्स फॉर अ चेंज, और कैरेट्स, एग्स, रोमेन लेटस, क्योंकि सैलड के लिए वी नीड इट ऑल द टाइम। एंड देन वी हैव एलपिनोज, बिकॉज वी डोंट हैव इंडियन मिर्चीज। एंड मैं जहाँ भी जा रही हूँ ना, इतनी अच्छी धूप आ रही थी, मैं वहीं पे खड़े हो जा रही थी। आज बाई 12 o'clock आई डिड अ लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच आई वाज फीलिंग गुड। सुबह को वैक्यूम किया, लॉन्ड्री की, ग्रोसरी अरेंज कर लिया, एंड अभी मैं बाहर आ गई थी थोड़ा सा ट्रैश को, यू नो, जो भी रिसाइकलेबल और जो प्रेशर कुकर वाला जो मैस था, वो सब कचरा मैंने जमा किया हुआ था, तो वो सब मैं ये करने आ गई थी। इतने अच्छे वेदर में ना ऐसे मन करता है ना, काश यहाँ पे आराम से चेयर लगा के, वो जो एक बीच चेयर नहीं होता, बीच पे जैसे अपने लेटते हैं वैसे, उस टाइप का चेयर लगा के ना अच्छा सा धूप लो। मतलब मेरा बहुत, मुझे ना धूप में जैसे विंटर्स में धूप में ऐसे हल्का सा ब्लैंकेट लेके सोना बहुत पसंद है,
लेकिन यहाँ पे तो धूप आती ही नहीं, रूम में बाहर ही से धूप लेना पड़ता है यार। कितनी मतलब अजीब सी चीज़ है ना। और यहाँ पे लंच में बन रहा है आज मिक्स वेज। इनिशियली मैंने सोचा था दम आलू बनाऊँगी, लेकिन मैंने सोचा वाई ओनली आलू, मेरे साथ हमेशा होता है, मैं पहले आलू बनाने का सोचती हूँ फिर सोचती उसमें कुछ और एडिशन कर देती हूँ। तो मैंने सोचा चिकन हैदराबादी बोल रही हूँ, वेज हैदराबादी बनाते हैं, मतलब मिक्स वेज टाइप का। तो उसके लिए मैंने टोमेटोज़, कैशूज़ सभी को अच्छे से ऐसे कुक कर लूँगी। टोमेटो कैशूज़ जिंजर गार्लिक, ये चारों को कुक करके उसको बाद में उसको पेस्ट बना लेती हूँ। और यहाँ पे साथ में आलू भी चॉप कर रही हूँ। मैं बोल रही थी ना कितनी अजीब बात है ना, लाइक हम लोग बचपन में जिन चीज़ों के लिए इतने तरसते थे, जैसे कि मतलब उस चीज़ की वैल्यू नहीं करते थे, जैसे धूप में सोना एंड ऑल ऑफ दैट। अभी जैसे हम लोग जो लोग अब्रॉड रहते हैं और जहाँ पे ठंड काफ़ी होती है और धूप नहीं मिलती, तो हमको धूप की वैल्यू भी समझ में आती है और हेल्दी ईटिंग की वैल्यू भी समझ में आती है। और मैंने अराउंड 1.5 kg गाजर ली थी पूरी, और उसका आज बनने वाला है गाजर का हलवा, क्योंकि मुझे बहुत शुगर क्रेविंग होती है। शुगर क्रेविंग मतलब मुझे कुछ एक चम्मच ही मीठा खाना है, लेकिन मुझे खाना है खाने के बाद 10 मिनट बाद। और हमेशा आप टी वगैरह भी नहीं पी सकते हो, जैसे टी पीने से थोड़ा सा शुगर क्रेविंग तो ये होता है, लेकिन टी तो हमेशा आप नहीं पी सकते हो ना, इट्स नॉट दैट गुड फॉर योर बॉडी लाइक। तो यहाँ पे मेरा मस्त देखिए काजू वगैरह का पेस्ट रेडी हो गया है एंड गाजर भी चॉप हो गई है, जो कि बहुत ही मुश्किल मुझे काम लगता है गाजर चॉप करना, क्योंकि उसको ऐसे पकड़ के ग्रेट करते रहो करते रहो करते रहो, हाथ का अच्छा सा वर्कआउट हो जाता है। और आज मेरे पास घी थोड़ा कम था। मैं जनरली, आप लोग विश्वास नहीं करोगे, मैं गाजर का हलवा ऑलरेडी गाजर में इतना पानी होता है राइट, तो कभी कभी मैं ना बिना घी के बना देती हूँ, मुझे कोई टेस्ट में अंतर नहीं लगता। मुझे घी का जो कोई भी टेस्ट किसी चीज़ में आ जाता है ना, पता नहीं मेरा, मुझे बचपन से मुझे घी बिल्कुल पसंद नहीं है, लाइक आई डोंट नो। मम्मी बचपन में मार मार के खिला देती थी, लेकिन दाल वगैरह में, लेकिन मैं क्या करती थी ना, दाल को ऊपर एक लेयर से घी निकाल देती थी, मतलब चम्मच से निकाल देती थी। आई डोंट लाइक घी, आई एम नॉट एट ऑल अ घी पर्सन। वो लोग देखते हो घी ऐसे एक एक दो दो चम्मच लेके खाते हैं, इट्स सो गुड फॉर योर बॉडी, खाना चाहिए। गाजर भी ऑलमोस्ट फ्राई हो गया था एंड ये काफ़ी फ्रेश गाजर मैंने मंगाई थी, तो यू नो इट वाज रिलीजिंग अ लॉट ऑफ वाटर, तो उसको ड्राई अप होने में भी टाइम लगता है। एंड गाजर का हलवा लाइक क्विक तो बना सकते, डोंट थिंक यू गेट दैट ऑथेंटिक टेस्ट जब तक गाजर अच्छे से फ्राई ना हो उसमें। अगर आप मावा डाल रहे हो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन आप मिल्क डाल रहे हो देन इट ड्राइज अप, इट कन्वर्ट्स टू मावा। सो या द होल प्रोसेस टेक्स लॉन्ग एंड द एंड रिजल्ट इज एक्चुअली रियली नाइस। लाइक मेरे साथ अभी जैसे अर्ली मॉर्निंग उठी, मैं वार्म वाटर पी लिया, सब कुछ पी लिया, मेरा मन करता है कुछ चाय पीने का, तो अगर ऐसे घर में कुछ घर का बना हो जैसे गाजर का हलवा हुआ, खीर हुआ, तो मैं एक कटोरी वो खा लेती हूँ, तो मेरा ना वो शुगर क्रेविंग खत्म हो जाता। वेज बनाने के लिए मैंने ब्रोकली और कैरेट और पोटैटोज लिया था, तो मैं कभी भी ब्रोकली का स्टेम नहीं फेंकती। आप लोग गूगल कर लेना, मतलब ब्रोकली के स्टेम्स में बहुत बेनिफिट होता है, तो आप जिस भी फॉर्म में खाना चाहो खा सकते हो। तो मैं क्या करती हूँ ना, उसको ऐसे ग्रेटर में चॉप कर लेती हूँ और उसको प्याज के साथ ही हल्का थोड़ा सा सॉटे कर लेती हूँ।
अब ये सारी सब्जियाँ फ्राई हो गई, और जब सब्जियाँ फ्राई हो रही थी ना, तो मैं ट्रस्ट मी टू बी ऑनेस्ट, मैं इतनी खुश हो रही थी, लाइक आई ब्रोकली मतलब और गाजर और आलू, ये तीनों का कॉम्बिनेशन ना, और मेरी आवाज़ थोड़ी हैवी हो रही है सॉरी लेकिन अभी हुआ क्या ना, अर्ली मॉर्निंग का टाइम है, एंड अर्ली मॉर्निंग आप जब तक वार्म वाटर ये सब पीते हो तब तक आपका मतलब वॉइस थोड़ा हैवी ही रहता है। यहाँ पे मैंने मसाले अलग से प्रिपेयर किया था और फ्राई अलग से किया था, क्योंकि फ्राई अलग से करती हूँ ना तो उसमें, और साथ में भी फ्राई कर सकते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन मैं अलग से फ्राई करती हूँ, क्योंकि अलग से फ्राई करती हूँ तो बहुत अच्छा सा वो सब कुछ क्रिस्पी क्रिस्पी नहीं होता, क्योंकि मैं ऑयल तो डालती ही नहीं हूँ, लेकिन अच्छा सा एकदम कुक हो जाता है, लाइक अपने स्टीम में ही कुक हो जाता है। अब उसको क्लोज लिड करके रख दो। ऑलमोस्ट गाजर का हलवा भी रेडी हो गया था, मिक्स वेज भी रेडी हो गया था। यहाँ पे मैंने जो प्याज टमाटर का पेस्ट बनाया था उसको मैंने फ्रिज में डाल दी थी, फ्रिज में मतलब नहीं, मतलब फ्रिज में डाल देती हूँ ताकि जल्दी से ठंडा हो जाए, क्योंकि आज मतलब मैं थका थका सा फील हो रहा था, सुबह से भागा दौड़ी कर रही थी ना, तो जल्दी से ठंडा हो जाए फिर उसको ग्राइंड करके, और कुछ मसाला मैं बचा के भी रख लूँगी, यू नो शॉर्टकट्स टू मेक क्विक एंड ईजी मील। आज का टेम्परेचर था आई थिंक 7 या 8 डिग्री सेल्सियस, सो बहुत अच्छा लग रहा था मेरे को, मतलब स्नो में भी मज़ा आता है, और स्नो के बाद जैसे ग्लोइंग वाला सन निकलता है ना, और आज फिर से वेदर, आज मतलब जिस दिन वॉइस ओवर कर रही हूँ उस दिन आज का वेदर फिर से बहुत ही डल सा हो गया, कल फिर से स्नोफॉल प्रेडिक्टेड है, इट्स गुड, थोड़ा चेंज हो जाता है ना, कभी स्नोफॉल कभी धूप, कभी स्नोफॉल कभी धूप, वी ऑल आर ह्यूमंस, वी ऑल लाइक चेंज। और प्रेशर कुकर वाले इंसिडेंट के बाद आप लोग बोल रहे थे बी केयरफुल, टू बी ऑनेस्ट मुझे प्रेशर कुकर ना भी हॉरर मूवी जैसा लगने लगा, तो आई एम नॉट गोइंग टू टच प्रेशर कुकर फॉर अ वाइल टू बी ऑनेस्ट, मतलब मैं राजमा नहीं खाऊंगी या फिर बॉयल करके खा लूँगी, छोले खा लूँगी, लेकिन आई एम नॉट गोइंग टू टच इट बिकॉज आई वॉज सो स्कैड वॉट इफ फेल्ट ऑन माई बॉडी, तो मैं पूरा ही यू नो मेरे को मेजर बर्न हो सकता था, तो दैट थिंग इज स्टिल सो मच हॉन्टिंग इन माई माइंड। फिर मैं आ गई थी रूम में थोड़ा सा रिलैक्स होने, क्योंकि सुबह से भागा दौड़ी कर रही हूँ, और अभी आई थिंक सुबह 7 बजे मैंने डे स्टार्ट किया था, एंड अभी अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 4 o'clock हो गया था, तो आज मतलब 2 दिन लगातार मेरा काफ़ी ज़्यादा काम हो गया था, इसलिए बीच में ना वीडियोस भी नहीं आई थी लाइक, और मैं जो बहुत जब टायर्ड फील होता है ना तो मैं थोड़ा सा रिलैक्स करके टी या कॉफ़ी बना लेती हूँ, समाओ आपको टी कॉफ़ी थोड़ा तो मतलब आप थके हो ना तो थोड़ा आपको एलिवेट करता है आपका मूड, आपका मूड लिफ्ट करता है। और यहाँ मैंने वीडियो एडिटिंग में देखा मैं अचानक से वीडियो में गायब हो गई, आप लोग नोटिस करना मैं यहाँ पर गायब हो जाती हूँ यार ये वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में इतने अच्छे अच्छे टूल्स होते हैं ना, आप उसको प्ले अराउंड कर सकते हो, बहुत मज़ा आता है, मुझे वीडियो एडिटिंग बहुत अच्छा लगता है, मैं प्ले अराउंड करती हूँ क्या शूट करना, मुझे ब्लॉग्स बना के ना बड़ी क्रिएटिविटी में अपना उसमें डालती हूँ ट्राई करने का। एंड यहाँ देखिए अपनी मस्त कॉफ़ी भी रेडी हो गई, फिर मैंने अपने लिए थोड़ा सा पुलाव बना लिया था, जैसे काजू किशमिश मटर वगैरह डाल के, क्योंकि ये सब्ज़ी इतनी अच्छी बनी थी ना, इसके साथ पुलाव खाने का ना अलग ही मज़ा है, जैसे कि पुलाव तो आप ऐसे भी बहुत अच्छा लगता है, ये सब जो पुलाव होता है आप ऐसे भी दाल वगैरह के भी साथ भी खा सकते हो, लेकिन ये मिक्स वेज की सब्ज़ी और ये पुलाव वो सच अ हेवनली कॉम्बिनेशन, मतलब मैं विश्वास नहीं करोगे मैंने डबल द अमाउंट ऑफ राइस खा लिया था, लेकिन सुबह से आज एक्टिव थी तो फ़र्क नहीं पड़ता, सब बर्न हो जाता है। मुझे ना एक दिन टोमेटो राइस बनाना है, एक दिन मुझे मसाले वाले चावल बनाने हैं, तवा पुलाव तो मेरे तवा पुलाव टाइप का ही मसाले, उसके लिए बीन्स चाहिए, कैबेज चाहिए, कैरेट्स चाहिए, इन सो मेनी थिंग्स। और पता है वेजिटेबल्स आप खाते हो ना तो आपका पूरा डाइजेस्टिव हेल्थ बहुत अच्छा रहता है, जितनी ज़्यादा वेजिटेबल्स खाओगे ना उतना ज़्यादा आपका डाइजेस्टिव हेल्थ अच्छा रहता है, आप नोटिस कर।
पे हो चुकी है शाम और ऑलमोस्ट डे को एंड करने का टाइम हो गया. आज का दिन बहुत अच्छा गया, बहुत हैप्पी हैप्पी गया एंड आई वॉज वेरी हैप्पी एट द एंड ऑफ द डे. इट वॉज सच अ लवली एंड अमेजिंग डे. एंड शाम के टाइम जो सनसेट होती है ना, वो व्यू देखने मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है.